नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि निफ्टी के जो फ्यूचर के लेवल्स क्या हैं, बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या हैं और फिर निफ्टी के लेवल्स क्या हैं फ्यूचर के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने निफ्टी फ्यूचर का चार्ट लगा रखा है जो कि जून का एक्सपायरी का है। अब ये चार्ट जो शुरू हुआ था 31 मार्च से और अभी तक ये डेट है। इसमें मैंने सुपर ट्रेंड लगाया 7.2 का। ये अभी देखिए इसमें पॉजिटिव है और इसमें सुपर ट्रेंड में यहाँ पे एक बार सपोर्ट लेके और फिर दूसरी बार यहाँ पे एक बार टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरा सुपर ट्रेंड जो है कि लॉन्ग डिस्टेंस ये 16.4 का है और शॉर्ट डिस्टेंस जो शॉर्ट डिस्टेंस का है और ये लॉन्ग डिस्टेंस दोनों में ही ये पॉजिटिव है, मतलब कि मार्केट अभी पॉजिटिव है। अब इसमें अगर रेस की बात करें वेव्स की, तो इसमें दो वेव्स बनी हुई है। एक ये वेव है, फिर करेक्शन है, फिर सेकंड वेव, फिर करेक्शन और ये थर्ड वेव चल रही है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट वेव के कितने टारगेट दे चुका है। अगर एबीसी मूव हम फाइंड आउट करते हैं जो कि फर्स्ट वेव का एबीसी मूव अगर हम देखते हैं, तो इसके हिसाब से अभी ये ऑलरेडी 1.168 के लेवल पे है, वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक इसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बन जाता है अभी जहाँ पे भी मार्केट है उससे। तो एक सपोर्ट लेवल जो होरिजेंटल सपोर्ट लेवल है हम वहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, जो इसको हम ग्रीन कलर दे देंगे। और दूसरे सपोर्ट अभी इसके हिसाब से अकॉर्डिंग टू काफी दूर है, तो हम इस वाले से वो नहीं लेंगे। अभी जो नियरेस्ट सपोर्ट है और इसके अकॉर्डिंग टारगेट भी ऊपर काफी ऊपर है, ठीक है, नेक्स्ट टारगेट की तरफ अगर ये बढ़ता है। तो अगर नेक्स्ट करेक्टिव वेव की हम बात करें, नेक्स्ट करेक्टिव वेव की बात करें या नेक्स्ट एबीसी मूव की बात करते हैं, तो ये एबीसी मूव आता है यहाँ से यहाँ तक। तो जो नेक्स्ट एबीसी मूव आता है उसके हिसाब से जो हमारा अभी ये कहाँ पे है, तो अभी ये ठीक 0.618 के लेवल, जो इसका लेवल बन रहा है 0.681 का लेवल, वो लेवल और जो प्रीवियस वाले का लेवल था तो सेम है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन जाता है, मतलब इस वाले करेक्शन के हिसाब से भी और उस वाले जो एबीसी मूव, दोनों एबीसी मूव के अकॉर्डिंग। अब इसके हिसाब से नीचे में जो एक सपोर्ट बनता है वो आपका सपोर्ट इस वाले के हाई के यहाँ पे बनता है। सेकंड सपोर्ट आपका बनता है इस वाले के यहाँ पे 0.382, 5.382 सपोर्ट ये बन जाते हैं। और नेक्स्ट टारगेट आपका बन जाता है जो कि 17,799, मतलब 18,000 तक का हमारा टारगेट है, क्योंकि हम रेट से, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हो जाएगा हमारा नेक्स्ट, ये हमारा रजिस्ट्रेशन जोन हो जाता है। तो हमने डेली चार्ट के हिसाब से इसमें सपोर्ट और रजिस्टेंस मार्क कर लिए। ऊपर की तरफ दो रजिस्टेंस लेवल 18,800 का और 18,970 का, नीचे की तरफ सपोर्ट है अभी 18,665 का। ये फ्यूचर के चार्ट पे 18,665 का सपोर्ट है और दूसरा नीचे 18,573 का सपोर्ट है और 18,478 का नीचे सपोर्ट है। ये तीन सपोर्ट लेवल दिख रहे हैं और दो रेजिस्टेंस लेवल दिख रहे हैं। चलिए हम इसको छोटे चार्ट में देखते हैं, हो सकता है कोई करेक्शन या और कुछ हमें इसमें देखने को मिल जाए या और कोई वेव देखने को मिले जिसको हम ट्रेक कर सकते हैं। अभी ये अगर लास्ट जो ये वेव बनी है, वैसे ये वेव नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये एक कंसोलिडेशन फेज है यहाँ से यहाँ तक का, और इसको इसने यहाँ पे ब्रेक भी किया है इस लेवल को 18,509 के लेवल को, इस वाले लेवल को, और ये ऊपर की तरफ कर रहा है। तो इस हिसाब से अगर ये अगर रेक्टेंगल या ये बनता है, रेक्टेंगल बनता है, तो रेक्टेंगल का टारगेट भी इसका जो टारगेट बनेगा हमारा डाटा रेंज, प्राइस रेंज अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक का रेंज बनता है। तो ये रेंज बनती है 344 पॉइंट की। तो अगर 344 पॉइंट अगर हम यहाँ से देखें 344 पॉइंट, तो 344 पॉइंट आपका आता है इस लेवल पे 18,860 के आसपास। तो
तो अभी तक ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है इस सपोर्ट लेवल के ऊपर। अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमारा एक रेजिस्टेंस लेवल ये भी बनेगा, जो कि इस प्राइस रेंज, ये जो ब्रेकआउट हुआ है इस कंसोलिडेशन का, उसके लिए आएगा। ठीक है अभी। और अगर छोटे में फॉर्म में जाके देखते हैं, जो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कल भी कर, 2 दिन से ये कंसोलिडेशन कर रहा है। तो 2 दिन से ये कंसोलिडेशन ही कर रहा है। अब अगर इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होता है अभी, तो ये एक ट्रेंड लाइन हम खींच सकते हैं नीचे की तरफ। जो ट्रेंड लाइन आएगी वो एक हॉरिजेंटल से वर्टिकल, थोड़ी सी अपर ट्रायंगल की तरह से ये ट्रेंड लाइन बनती है। अब इसका ब्रेकआउट करता है तो एक इमीडिएट टारगेट जो हमें मिल सकता है, वो जो ये रेंज है 82 पॉइंट की रेंज यहाँ से बन सकती है, जो कि कल के लिए इसमें यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ये इसमें रेंज आ सकती है, ये टारगेट अगर ब्रेक होता है ऊपर की तरफ तो। और अगर नीचे की तरफ होता है यही ब्रेक, तो जहां से भी होता है नीचे की तरफ हमारा सपोर्ट बन जाएगा। जो कि एक ग्रीन लाइन होगी।